एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता'स किचन एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? तो मैं आ चुकी हूँ अपने मायके और सुबह का जो काम होता है वो सब करके, और आज हम सजाएंगे जो ब्राइड और ग्रूम का बैग, तो बैग पैक करेंगे हम। तो ये सब जो ट्रॉलियाँ हैं, ये सब ट्रॉली हैं छोटे बड़े साइज़ की, तो ये सारी ट्रॉली हमने ऑनलाइन ही मंगा ली थी। ऑनलाइन बहुत ही अच्छी डील चल रही थी तो हमें बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था ये बैग्स। तो अभी मैं VIP के हैं, स्काई बैग के हैं, एस्ट्रो कार्ट के भी है, सफारी के भी है, हर तरह के हैं। तो मैं इन सबको मैंने फ्लिपकार्ट से ही हम लोगों ने इसे परचेज़ किया है। तो चलिए अभी हम लोग बैग पैक कर लेते हैं। तो सभी कार्टून में से बैग को रिमूव कर लिया है, ये देखिए। और हमें अभी करना है पहले ब्राइड के जो दुल्हन के हैं उनके उसके कपड़े हम लोग इसमें रखेंगे। तो जो सारी जो साड़ियां हैं वो हमने इस तरह के बैग में डाल लिए हैं जिसमें पेटीकोट और ब्लाउज़ लगाकर अच्छे से एक साथ ही रख लिया है, जिससे कि इधर उधर नहीं होते, ब्लाउज़ और पेटीकोट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब साथ में ही रहता है। तो अच्छे से अरेंज करके हम अच्छे से इसको बैग में रखेंगे। तो कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं वो हम डिसाइड करके और सारे को बैग पैक कर लेंगे। तो मैं आज उसी की वीडियो बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है आज के वीडियो में। मैं ये सब कर रही थी, घर में हो रहा था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप आशा करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आएंगी। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे वीडियो पे, फुल वॉच कीजिएगा, अपना सपोर्ट बना के रखिएगा मेरे चैनल पर। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें आपका एक लाइक बहुत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए आप वीडियो पे बने रहिए और हमने कैसे कैसे सजाया है अपने बहन की जो सारे बैग्स हैं वो, और दूल्हे राजे का भी बैग सजाएंगे, और दूल्हे की माँ का भी बैग हम सजाएंगे, क्योंकि हमारे तरफ कहते हैं दुल्हन की सास का बक्सा जाता है, तो अब बक्सा की जगह पर ट्रॉली जाते हैं, तो वो भी हम अरेंज करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और जिस ये जो दुल्हन खुद भी बैग्स अरेंज कर रही है क्योंकि उसे पता है क्या ले जाना है, तो वो फ़ोटो ले रही थी जिस ब्लाउज साड़ी का ब्लाउज़ नहीं आया था, टेलर के पास था, उसका पिक लेकर रख ले रहे थे, जिससे हमें याद रहे कि किसका हमें लाना है, रह गया है तो वो याद रखने के लिए पिक खींच कर हम रख लेंगे। और सारे जो है टॉवल, सिंगार का सामान, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सब छूट जाती हैं, इसलिए याद करके हमें सबको अरेंज करके रखना होता है। तो अभी खाली टाइम है, अभी थोड़े दिन, दो दिन पहले इंगेजमेंट हुआ है और अभी तिलक जाएगा 28 को, तो उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं, उसके पहले लोग आने लगेंगे, तो उसके पहले हम ये सब करके साइड कर देंगे तो सही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है ऑलमोस्ट, बैग जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, और ये है हमारी होने वाली ब्राइड, और ये है मेरी मम्मी, और हम सब मिलकर कर रहे हैं यहाँ पर शादी की तैयारियाँ। तो आगे चलकर और भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे फ्रेंड्स,
तो मेरी चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा। तो अभी इधर देखिए बैंगल बॉक्स भी रेडी है और इधर अरेंज कर रहे हैं हम सास का जो बक्सा जाएगा, यानी बक्सा यानी बक्सा ऐसे बोला जाता है, शुरू से ही हम बोलते हैं सास का बक्सा। तो अभी ये ट्रॉली ले लिया है, इसकी जगह ट्रॉली ने ले लिया है, तो ट्रॉली को अरेंज करेंगे। तो इसमें जितने भी आपको साड़ी देने की इच्छा हो, 21 25 51 जो भी आपकी इच्छा हो, उस तरह से हम इसमें साड़ी डालते हैं, पेटीकोट डालते हैं, और जो सारा श्रृंगार का सामान होता है, तेल साबुन सर्फ चूड़ी बिंदी कंघी आईना आलता नेल पेंट, ये सब कुछ हम इसमें डाल देंगे और बैग को अच्छे से पैक कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको सभी चीज़ें दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने डाला है इसमें। तो देखिए इसमें डाल दिया है साड़ियाँ, और अभी जो मैं रख रही हूँ ये है नेल पेंट का एक बॉक्स, तो और सिंदूर का ये देखिए बॉक्स है और नेल पेंट का है, ये सारी चीज़ें हैं, आईना भी है कंघी भी, ये सब मैं इसमें अरेंज करके रख दूँगी। और जो हमारा बैग है वो ऑलमोस्ट अभी हम दूल्हे राजा का भी बैग जो है वो सेट कर लेंगे। तो उसमें हम सारा जो सेविंग किट होता है, शर्ट पैंट होता है, रुमाल टॉवल और परफ्यूम और ये कोट पैंट, ये सब कुछ हम अच्छे से अरेंज करके रख लेंगे और बस रेडी हो गया है ये बैग। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।